उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई 6 जनवरी 2019 को, जिसमें पूछे गए कुछ सवालों के आयोग द्वारा दिए गए उत्तरों पर अभ्यर्थियों को आपत्ति थी। प्रश्न जैसे कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जिसका उत्तर पूर्व की पूछी गई परीक्षाओं तथा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पुस्तकों में भी गोरखनाथ दिया गया है, परंतु आयोग ने सही उत्तर मत्स्येंद्र नाथ को माना है तथा कुछ और अन्य प्रश्न जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा, जिसका सही उत्तर जो माना गया है उस नाम का कोई मनोवैज्ञानिक है ही नहीं तथा आयोग के इस मनमाने रवैये के कारण कई अभ्यर्थी जो कि एक या दो अंकों से उत्तीर्ण होने में असफल हो गए, वो बिना गलती के अपनी नियुक्ति से वंचित हैं तथा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। महाराज जी, आपके नाथ संप्रदाय के महंत होने के बावजूद भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो घोर अन्याय। वहीं अभ्यर्थियों ने महाराज जी से अपील की है कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभ्यर्थियों की पीड़ा हरने का कष्ट करें, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। वहीं आपको बता दें, अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार तथा गोरखनाथ मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ज्ञापन देकर तथा बार बार उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्रियों के समक्ष मामले को संज्ञान में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक उचित निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो पाया है, जिसके चलते सभी अभ्यर्थी निराश हैं। वहीं अभ्यर्थियों को भरोसा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया, उनको वंचित कर दिया, काफी बच्चियाँ भी वंचित की गई। उसके बाद लगातार हम कोर्ट की बच्चिया अपना कार्य कर रहे हैं। आज तक जो लखनऊ बेंच की याचिका है हमारी अस्थित, जिसमें 6 प्रश्न मेन थे, जो कि 1 प्रश्न महाराज जी के पंथ से जुड़ा हुआ है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो नाथ पंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी हैं, इसलिए इनकी समस्त बुकों में जो राज्य द्वारा चलाई जाती है और जितने भी आचार्यान जो बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि गुरु गोरखनाथ जी नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, उसको ये अधिकारी लोग नहीं मान रहे हैं। और जो भी काउंटर लगाया जा रहा है कोर्ट में, हम चाहते हैं कि उसमें यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट लगाई जाए।